सी के अजीम कादिर और बारकत नाम में आप सबकी सलामती हो मेरा नाम एवंजलिस्ट अलिशबाशर जॉन है और मेरा ताल्लुक़ लैम फेलोशिप इंटरनेशनल के ओजी चर्च से है खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने मुझे ये फ़जल बख्शा कि मैं पी एम आई टी वी पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ रेवरेंड डॉक्टर खालद्ना साहब की और पास्टर असफ हरून साहब की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावन की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि खुदावन ने आज मुझे ये मौका बख्शा कि हम सब खुदावन के कलाम को सीख सकें उसके नाम को जलाल दे सकें आए मेरे अजीजों चंद लम्हा अपनी आँखों को बंद करेंगे और खुदावन की हज़ूरी को महसूस करेंगे आसमान और ज़मीन को खल करने वाले खुदावन मसीह में मेरे ज़िंदा आसमानी बाप दिल से दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरी तारीफ तेरी तमजीद तेरी हम तेरी तेरी मदसराई करती हूँ खुदावंतो जो है जो था जो आने वाला है तेरी शफकत अज़ीम है तेरा प्यार निराला है तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदांद पाक खुदा आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में एक और दिन बख्शा कि हम सब मिल कर तेरे नाम को जलाल दे सकें तेरी इबादत तेरी हम दोस्ताइाइश तेरी मदसराई कर सकें खुदांद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरी पाक मोहब्बत के लिए जो खुदावन तो हमसे बेहद मोहब्बत करता है तेरी इस लाजवाल मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदांद पाक खुदा तेरे पाक रूह को मांगती हूँ खुदा पाक रूह तो मेरी तरबियत करना और खुदा पाक पाकरू मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे बग़ैर जीरो हूँ खुदा पाक पाकरू तो मेरी तरबियत करना मेरी रहनुमाई करना और आज जब हम तेरे पाक कलाम में से सीखें तो खुदावंद तो हमारी रहनुमाई करना तो हमारी मुहाफ़्सत करना तो हमारी अकल हमारी सोच को नया करना ताकि खुदावंद हम तेरे पाक रू की हदायत में सीख सकें तेरे नाम को जलाल दे सकें सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यसु मसी नासरी नाम को देती हूँ यसु के कादिर और जलाली में मांगती हूँ आमीन खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आजीजों आज खुदा ने हमें आ, मौका दिया कि हम खुदा के पाक कला में से सीख सकें तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि एक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक जो आ, खुदा की रहनमाई में मैं हम सब मिलकर सीखेंगे आइए हम कला में मुकदस में से अपनी अपनी रहनुमाई के लिए निकालेंगे ज़बूर अड़सठ उसकी ग्यारह आयत खुदा उनके पाग कलाम में यूँ मरकूम है खुदावंद हुक्म देता है खुशखबरी देने वालियाँ फ़ौज की फ़ौज हैं आमीन खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना सुना जाना समझा जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो मेरे अजीज बहनों भाइयों यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंत का पाक कलाम हमें सिखाता है खुशखबरी देने वालियाँ मतलब औरत के बारे में ज़िक्र किया गया है यहाँ पर अगर कोई कहे कि औरत खदमत नहीं कर सकती पाक कलाम नहीं सुना सकती तो ये हवाला जो है आप गौर से पढ़ें और सुने कि ज़बूर असठ में क्या लिखा है इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे हवाला जात जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी औरतों के हवाला से और जैसा कि अभी ईद क्यामतलमसी जो है वो हमने मनाया और हमने बड़े ही डिटेल से इसके बारे में सुना सीखा कि जब खुदा यसु मसी की सलीब से लेकर मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद तक और आ, हम देखते हैं कि औरतों का जो करैक्टर है वो कितना इम्पोर्टेंट है हम देखते हैं कि यसु मसी की सलीब के पास यसु मसीह की माँ मरियम दूसरी मरियम और मरियम मकदलिनी का जो है वो बहुत दफ़ा हमने जिक्र सुना और मसीह की मोहब्बत जो है वो बयान करती हैं किस तरह से अपने इस करदार के वजह से कि यीशु मसीह के पास पास रहती हैं और हम देखते हैं कि हमने जबूर अड़सठ में भी पढ़ा कि जो औरतें हैं औरत के बारे में लिखा है कि जो खुशखबरी देने वाली मतलब खुशखबरी क्या है खुशखबरी जो है वो खुदा का पाक कलाम है कि बहुत ही बरकत कलाम जो हम आ, पिछले दिनों में सीख चुके हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम किया निजात का काम किया हाल आज जितनी भी बहनें इस बात पर, पर परेशान हैं उन सब के लिए खुदा का कलाम है मेरी अजीज़ बहनों हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना बल्कि हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है हम ख़ुदा के कलाम पर हमें अपना ध्यान लगाना है यहाँ पर खुदा हमें हुक्म दे रहा है खुदा का कलाम कहता है कि रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा जब हम इमाल पहला बाब उसकी आठवीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें जिक्र मिलता है कि रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा और तुम कुवत पाओगे क्या रूहुल कुदस सिर्फ मर्दों पर ही नाजिल हुआ या औरतों पर भी वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर चंद औरतें और यसुम की माँ मरियम भी मौजूद थी और ये यहां पर 20 की जमात थी जिसमें ये औरतें भी शामिल थी और ये 120 की जमात जो है सब के सब कुदस से भर गए उन्होंने कुवत पाई यहाँ पर औरतें भी कुदस से मामूर हुई हैं और हमने पढ़ा के औरतें जो हैं खुशखबरी देने वाली हैं वो फौज की फ़ौज हैं बशारत देने वालियाँ झुंड की झुंड हैं आगे हम देखेंगे यूएल दो बाप उसकी अठाईस आयत में भी हमें यही पेशन गोई, गोई मिलती है हम पढ़ेंगे यूएल दूसरा बाप उसकी सत्रह अट्ठाईस आयत उसमें लिखा है और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे हाल ललो यहाँ पर भी हमें यही मिलता है कि तुम्हारे बेटे बेटियाँ यहाँ पर सिर्फ मर्दों का ही जिक्र नहीं है बल्कि बेटे और बेटियों के बारे में भी लिखा है मेरी अजीज़ बहनों भाइयों अगर औरतें रूह क़ुद से बढ़ सकती हैं रूह कुद से मामूर हो सकती हैं उन्हें बोलने की क़वत अगर खुदा देता है खुदा का कलाम यकूब में के ख़त में आ, हमें सिखाता है कि तुम मेरे नज़दीक आओ तो मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा खुदा हमारे और ज़्यादा नज़दीक आ जाता है मेरी अजीज़ बहनों खुदा का पाक कलाम जो है वो जब जितना हम उसके पास आते हैं उतना ही हमारे पास आता है उतना ही ख़ुदा का पाकरू हमें और ज़्यादा इनकरेजमेंट देता है जितनी बहनें आज डिस्करेज हो गई हैं आज मैं उन सब को खुदा की मनसूखा होने होते हुए इनक्रेज करना चाहती हूँ कि जब खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि खुशखबरी फैलाने वाली हैं झुंड की झुंड और फ़ौज की फ़ौज हैं तो फिर हमें लोगों की बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको बताना चाहती हूँ पाक कलाम में जिस औरत को सबसे पहले खिदमत करने का शरफ़ हासिल हुआ वो है हरून और मूसा की बहन आप देखते हैं अहदनामा में हम देखते हैं हारून और मूसा की जो बहन थी वो नबिया थी अगर आप हवाला देखना चाहें तो खरूज पंद्रह बाप उसकी बीस आयत ये बाइबल मुकद्दस में सबसे पहली नबिया थी बाइबल मुकद्दस में और भी बहुत सारी नबियाँ हैं जिन्होंने नबूत की खिदमत की मगर ये पहली ख़ातून है जिसको नबिया होने का शर्फ हासिल हुआ आगे हम देखेंगे दूसरा सलातीन बाईस बाप उसकी चौदह आयत तो यहाँ पर हमें खुलदा नबिया के बारे में मिलता है ये भी बाइबल मुकदस में नबिया है जब तक खुदा हमें हुक्म नहीं देता कुछ हम कुछ नहीं कर सकते मगर मेरी अजीज़ बहनों यहाँ पर खुदा हम सबसे हम कलाम हो रहा है आज की औरतें आज की बहनें आज की बेटियाँ भी नबूवत कर सकती हैं कलाम की खिदमत कर सकती हैं अगर खुदा का पाखरू उन पर अपना साया डालता है तो वो भी खुदा के कलाम को उसके अलहाम को उसकी बशारत जो है वो लोगों तक पहुंचा सकती हैं मगर आ, मैं आ, बहुत ही अफसोस से ये बात कहनी पड़ेगी मुझे कि आज की जो हमारी बेटियां हैं हमारी जो बहनें हैं उनका देहान जो है वो बाइबल मुकदस से हट चुका है उनका देहान जो है वो इंटरनेट की तरफ लग चुका है और ख़ुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि जितना हम खुदा के पास जाते हैं जितना उसके करीब जाते हैं जितनी हम उसके साथ रफ़ाकत रखते हैं उसके साथ वक्त जो है अपना गुजारते हैं टाइम स्पेंड करते हैं उतना ही खुदा हमारी जिंदगी को अपने पाक रूप से बढ़ता है आज अगर आपके अंदर जो जितनी भी मेरी बेटियाँ बहनें हैं अगर आपके अंदर खुदा ये डिज़ायर रखता है आप ये भूख और प्यास रखती हैं तो खुदा आपकी इस भूख और प्यास को मिटाने की कुदरत रखता है हाल नया नामा में हम देखते हैं मुबशर फिलपस जिसकी चार बेटियाँ थीं और वो चारों की चारों ही नबियाँ थीं चारों नबुवत करती थी यह हवाला जो है इमाल इक्कीस बाप उसकी आठवीं और नौवीं आयत में हम देखते हैं मेरे अजीजो आज खुदा बेटों को इस्तेमाल करना चाहता है बेटियों को भी इस्तेमाल करना चाहता है मगर आ, हम देखते हैं कि ख़ुदा का पाक कलाम जो है वो हम सब की रहनमाई करता है खुदा का कलाम जो है वो ला तब्दील है और हम सब को बदलने की कुदरत रखता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा का पाक कलाम जो है ये तब्दील होता है मगर मैं कहती हूँ कि ख़ुदा का कलाम जो है ये ला तब्दील है ये कभी भी तब्दील नहीं होने वाला बल्कि ये ज़िंदगी को बदलने की कुदरत रखता है हाल हमने देखा कि हारून और मूसा की जो बहने बहन थी वो नबिया थी और फिर हम हमने देखा कि जो खुलदा नबिया के बारे में नए अहदनामा में हम आ, देखते हैं फिलपस की चार बेटियां ये जो हैं ये भी नबिया थी और फिर हम लूका दो बाप उसकी छत्तीस 38 आयद को जब देखते हैं तो लिखा है आशुर के कबीला में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी हालेलुया हन्ना जो थी वो एक नबिया थी और इसके बारे में इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो आ, लिखा है कि ये जो है ये जो ख़ातून है इसकी आ, शादी सिर्फ सात साल रही इसके बाद इसके शोहर की डेथ हो गई और ये बेवा हो गई और इसके बाद इसने अपनी जितनी भी ज़िंदगी थी इसकी इसने खुदावन के नाम कर दी ये खुदा के कलाम की खिदमत करती थी ये भी नबिया थी और इसने अप अपनी बाकी की सारी जिंदगी जो है वो खुदावन के साथ गुजारी ये इसके पास भी इस खातून के पास जो हन्ना नबिया है इसके पास भी दो रास्ते थे या तो ये अपनी माजी के साथ गुजार सकती थी या ये डिप्रेशन में रहकर गुजार सकती थी मगर मेरे अजीजों इसने कौन सा हिस्सा चुना वो हिस्सा चुना जो खुदा के नाम को जलाल देने वाला है और ये खुदा के साथ साथ रही और इसने अपनी ज़िंदगी खुदावन को दी अगर हम देखते हैं अगर हम कुज़ात की किताब देखें तो वहाँ हमें दबूरा नबिया के बारे में मिलता है इस दौर में उस दौर में जो काज़ियों का दौर था उस दौर में दबूरा एक काजी थी मतलब दबूरा एक नबिया थी थी और ये क्या करती थी? काजी का क्या काम होता था जिस तरह आज हम कोर्ट में जाते हैं तो एक जज की अथॉरिटी है इस तरह ये जो दबूरा थी दबूरा भी यही अथॉरिटी रखती थी दबूरा भी इंसाफ करती थी और हम देखते हैं यूरोप में जिस बहन ने पहली बार बशारत की उसका नाम लुदिया था अब लुदिया जो थी लुदिया खातून जो थी ये किरमज़ का काम करती थी और ये हवाला जो है ये आपको बाइबल मुकदस में अमाल सोलह बाप उसकी तेरह ताह सोलह आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इसको बड़े गौर से आप पढ़िएगा ज़रूर आप बरकत पाएंगे आ, लिखा है इसके बारे में कि ये थवारा शहर की एक खुदा प्रस्त औरत थी और ये जब हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये एक बिजनेस वूमन थी ये किरमस के कपड़े का काम करती थी किरमस जो है ये एक ऐसा आ, कपड़ा था जो बहुत ही महीन कपड़ा होता और ये बहुत एक्सपेंसिव कपड़ा होता और ये कपड़ा जो है ये उस दौर में बड़े बादशाह या बहुत जो रिच होते वो लोग जो हैं इस कपड़े को ख़रीदते और पहनते कोई जो मामूली लोग थे उनकी पहुंच से ये कपड़ा जो है ये बाहर था और हम देखते हैं कि ये जो लुधिया नाम औरत है इसने यूरोप में सबसे पहले बशारत का काम शुरू किया और जब ये एक रोज़ पोलस रसूल की एक मीटिंग में ये गई वहाँ पर और भी बहुत सारी औरतें थीं मगर खुदावन ने इसके साथ कलाम किया खुदा ने इसके दिल को खोला और फिर इसने बुजुर्ग पोलस रसूल के हाथों से इसने बपतस्मा लिया और फिर इसने क्या किया, किया कि अपना जो काम था जो बिज़नेस था वो भी ये करती थी गर्मज के कपड़े का और फिर साथ साथ ये ख़िदमत भी करती थी यूरोप में ये पहली औरत थी जो अपना बिजनेस भी करती थी और खुदा के कलाम की खिदमत भी करती जो हमारे लिए खुदा का कलाम है जो हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि हमने क्या करना है खुदा के साथ जान देने तक वफादार रहना है खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है जान देने तक वफादार रहे तो वो तुझे आ, ताज बख्शेगा वो ताज जो है वो हमने हासिल करना है वो ताज जो है हमने सिर्फ अपने दुनियावी कामों को में अपने आप को ख़र्च करके नहीं करना बल्कि हमने खुदा के नाम को भी जलाल देना है तो यहाँ पर हमने देखा जितनी भी औरतों को हमने देखा हमने छः औरतों के बारे में देखा कि वो जो हैं वो नबिया थी वो आ, खुदा के कलाम की खिदमत भी करती थी और अपना काम भी करती थी आज अगर किसी बहन को आ, को जॉब अच्छी जॉब मिल जाती है तो वो वो सिर्फ़ अपनी जॉब तक ही रहती है घर और जॉब इसके बाद वो काफ़ी थकावट महसूस करती हैं जिसकी वजह से वो ख़िदमत करना जो है वो छोड़ देती हैं अगर खुदा ने उनको चुना भी हो तो वो अपने आप को बहुत टाइट फील करती हैं और उनसे ये काम नहीं होता मेरी अज़ीज़ बहनों खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने दुनियावी कामों को भी साथ साथ लेकर चलना है क्योंकि हमने इस दुनिया में भी रहना है और इस दुनिया में रहते हुए अब खुदावन के नाम को भी जलाल देना है तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमने जान देने तक वफादार रहना है और हमने उसके करीब आना है और हम हमने बड़ा ही खूबसूरत आज का पैगाम जो है वो सीखा कि जो खुदावन का पाक कलाम जो है वो हमें हुक्म देता है कि खुशखबरी देनेवालियां फ़ौज की फौज है झुंड की झुंड है खांद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी ही बरकत दे मैं ईमान रखती हूँ कि आज मेरी बहुत सारी बहनों ने जो डिसक्रेज हो चुकी थी जो अपने ईमान को छोड़ चुकी थी अपने अंदर ये कन्फ्यूजन लेकर बैठी थी कि हमने आ, हमने जो है ये हम खिदमत कैसे करें हम पुलपट पर कैसे जाएं हमें तो लोग बातें ही बहुत करती हैं करते हैं मगर मेरे अजीजों अक्सर लोग जो हैं वो पोलोसर सोल का आ जो क्रंथस के कलीसिया को कहा गया औरतों के बारे में अक्सर लोग जो हैं उसका हवाला देते हैं कि औरत जो है वो मजमे में चुप रहे वो अपने मुंह को बंद करें मगर ये एक बहुत ही बाबरकत टॉपिक है सीखने वाला टॉपिक ने औरत के बारे में इसलिए कहा कि औरत चुप रहे इसलिए कि वो क्रंथस की जो औरतें थी वो एक तो आ, कम एजुकेटेड थी और वो खुदा के कलाम को भी बहुत कम जानती थी और और क्या करती थी कि इबादत खाना में जब जाती तो आ, 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 इबादत में ही उठकर तो अपनी बातें जो है वो बीच में करना शुरू कर देती मतलब नौका टोकी करना शुरू कर देती इसलिए खुदा का बंदा पोले कहते हैं कि औरत जो है वो मजमा में चुप रहे सो खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी ही बरकत दे गॉड ब्लेस यू